हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, मौलाना माजुल हक अरबी कॉम फारसी यूनिवर्सिटी से। अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम पार्ट टू का एग्ज़ाम दिए थे, जिनका सेशन 18-21 था, उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है और कैसे डाउनलोड करना है। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको मौलाना माजुल हक अरबी कॉम फारसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाइएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखिएगा साइड में इंपॉर्टेंट्स लिंक्स का ऑप्शन शो होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी में आपको यहाँ पे एक रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको जैसे ही रिजल्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ देर वेट करना, और कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट यहाँ पर सब शो कर दिया गया है। और यहाँ पर अलग अलग ऑनर्स पेपर का पीडीएफ दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है ऑनर्स पेपर अरबिक, ठीक है। तो रिजल्ट अरबिक ऑनर्स पेपर पार्ट 2 रेगुलर यहाँ पे लिखा है, यानी कि अगर आपका सेशन 18-21 है तो आपको इसको डाउनलोड करना होगा। अगर आप दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं, आपका सेशन 18-21 नहीं है, तो यहाँ पर री एग्ज़ाम पर क्लिक करके आपको रिजल्ट डाउनलोड करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी ऑनर्स पेपर का दिया गया है, किसी पर आप सिंपल से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हिस्ट्री का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेगुलर पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जैसे रेगुलर 2 पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और वेट करना है। और देखिए यहाँ पर मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। आपके फ़ोन में जो भी पीडीएफ रीडर होंगे उससे ओपन होता है, तो उस पर सिंपल से आपको क्लिक करके आपको उसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करके ओपन कर लिए, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 25 पेज का पेपर है, ठीक है, यानी 25 पेज है इस पीडीएफ में। तो इसमें आप आसानी से अपना नाम खोज भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सर्च आइकन का ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्च आइकन है, इस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर या नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारा चीज़ दिया गया है, जैसे कि आपका नाम दिया गया है, आपके पिता का नाम दिया गया है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और रोल नंबर दिया गया है। और इसी में आपका यहाँ पर अनर्स पेपर दिया गया है, जैसे कि जो थर्ड अनर्स पेपर हुआ था उसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, मिनिमम 45 मार्क्स लाना था। अगर 45 नंबर से अगर आपको कम नंबर है तो आप फेल होंगे, आपका रिजल्ट पास नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से फिर आपका पार्ट 4th पेपर होगा अनर्स पेपर का, तो इसमें भी आपको 100 मार्क्स का पेपर हुआ होगा और उसमें 45 नंबर लाना होंगे पास होने के लिए। और जिनका 75 नंबर का पेपर हुआ होगा जो जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो उनमें आपको 34 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। तीस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जिन बच्चे का 34 नंबर होगा अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो उसमें वो फेल हो सकते हैं उससे कम नंबर का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल पेपर जो हुआ है 50 नंबर का है, दोनों ऑनर्स की बात किया जाए तो 200 नंबर का है, टोटल आपको 90 नंबर लाना है। तो यहाँ पे अगर आपको 90 नंबर दोनों पेपर ऑनर्स पेपर मिलाकर कम होंगे तो आप फेल हो सकते हैं। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर दिया गया है आपको हिंदी जो है आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी में आपको 33 नंबर लाने हो 100 में तब आप पास होंगे। और उसके बाद दिया गया है यहाँ पे आपका लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है हिंदी और 50 नंबर का, जिसमें 15 नंबर लाने होते हैं। लैंग्वेज दूसरा जो होता है उसमें भी 50 नंबर का होता है, उसमें भी 15 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। टोटल इस प्रकार से 100 नंबर का हो जाता है। उसके बाद आपको थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है, जो भी आप चूज करते हैं एक्स्ट्रा में, तो उसका ऑप्शनल जो पेपर होता है उसको आप यहाँ पे दिया होगा उसका मार्क्स। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे आपका मार्क्स दिया गया होगा, कितना आपको मार्क्स मिले हुए हैं और पास हैं कि फेल हैं यहाँ पे आपको अंतिम में शो कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है पेंडिंग दिया गया है, तो यहाँ पर जो है एब्सेंट है, तो ये परीक्षा नहीं दिए हैं जिसके कारण से इनका एब्सेंट लगा हुआ और इनका रिजल्ट जो है पेंडिंग हो गया है। अगर बाई चांस कि हो सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी आपका पेंडिंग है, तो करना क्या होगा, आपको जहां पर परीक्षा दिए होंगे वहां से आपको अटेंडेंस स्लिप लेना होगा और यूनिवर्सिटी में ले जाकर उसको दिखाना होगा आपके रिजल्ट के साथ, जिससे कि आपका रिजल्ट सही किया जा सके। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे तो उसमें सुधार करना मुश्किल है। तो इसी प्रकार से यहाँ एब्सेंट और पेंडिंग रिजल्ट दिए गए हैं। जिनका मार्क्स कम होगा उनको भी रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, जो पास होने का मिनिमम मार्क्स है उससे अगर कम मार्क्स होगा। तो इस प्रकार से जितनी भी जानकारी थी
की आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं, अपना अपना ऑनर्स पेपर जो भी है डाउनलोड पीडीएफ करके कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।